आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पूरा दिन नैनीताल की चिड़ियाघर में बिताना है और वहाँ पे सभी काम करने वाले लोगों से भी बात करनी है और जानवरों के बारे में भी जानना है। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैं पहली बार नैनीताल जू आई हूँ। अच्छा चलो मैं आपको नैनीताल जू के बारे में बताता हूँ। नैनीताल जू में 33 एनिमल स्पेसीज हैं इस समय। कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके बारे में शायद यहाँ लोगों ने सुना नहीं होगा और देखा नहीं होगा। ये सब लोग कौन है जो यहाँ काम कर रहे हैं? ये जू केवल जानवरों को देखने के लिए ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी काम करते हैं। नैनीताल जू में मुख्य जो पद है यहाँ पर डायरेक्टर का है, तथा पशु चिकित्सक, फार्मासिस्ट, बायोलॉजिस्ट, अन्य विशेषज्ञ तथा जू कीपर जो जानवरों की देखरेख हेतु हैं। नैनीताल जू में जू कीपर जू की रीढ़ की हड्डी है। क्यों ना आप खुद ही उन सब लोगों से जाके मिलो। आपको जानवरों से डरने लगता है? वे आपको कैसे पहचान लेते हैं? हम रोज इनके साथ रहते हैं। हमारे जो कीपर हैं वो सुबह 8:30 बजे यहाँ पर आते हैं और जिसको भी जो बाड़े बटे हैं वो उस बाड़े में जाके सबसे पहले अपने जानवर को वॉच करेगा। जो भी हमारे वहाँ बाड़े में एक छोटी टाइप की खिड़कियाँ बनी है, अब हम टाइगर के बाड़े में गए तो टाइगर को हमने देखना है वो खिड़की से कि हमारा जानवर सुरक्षित है या नहीं है। उसके बाद हम बाहर जाते हैं, पहले बाहर की सफाई होती है और हम पूरा जाली जाल चेक करने के बाद तब टाइगर को बाहर खोलते हैं। बाहर की सफाई करने के बाद तब अंदर सफाई होती है। हर जानवर की अलग अलग डाइट है। जैसे हमारे यहाँ टाइगर्स है, उनकी मीट की क्वालिटी को देख के और उनको क्वांटिटी को देखते हुए उन्हें मीट दिया जाता है। और पक्षी जो है उन्हें हमारे यहाँ हरी सब्जी हो गया और मुर्गी दाना है, गेहूं है और धान है और बाजरा है, ये आदि चीज मिक्सर करके दिया जाता है। और डियर से जो है उनको भिगो के चना है, खली है, घास वगैरह दी जाती है। हम कीपर लोगों का कार्य चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बर्फ पड़े, कुछ भी हो, हमने आना ही है। अगर कोई जानवर बीमार पड़ जाए या चोट लग जाए फिर क्या होगा? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे प्राणी उद्यान में जितने भी एनिमल्स हैं उनके साथ एक एक कीपर रखा गया है जो हमें ये जानकारी देता है कि भई उसको इंजरी हुई है या उसको कोई बीमारी है या वो सिक है। डेली का हमारा एक रूटीन विजिट रहता है पूरे जू में, तो एनिमल किस तरह से बिहेव कर रहा है, एनिमल में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है। एनिमल से जितने भी लेटर कीपर्स हैं तो उनसे हम डेली रिपोर्ट मांगते हैं कि एनिमल में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है, एनिमल सही है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में एक एनिमल वार्ड है, तो हम कुछ दिन जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम उस वार्ड में ला के उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि इसका पूरा ख्याल रखती है, उसके दवा पान, उसके ट्रीटमेंट, उसके रख रखाव, उसके खाने पीने का। तो ये चीज़ें हमारी एक व्यवस्था है। सुंदर है, इसकी पूंछ कितनी लंबी है। वाओ, ये कौन सा जानवर है इतना छोटा सा और प्यारा सा? इसे तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। इसका नाम रेड पांडा है। ये एक छोटा सा एनिमल है। भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ये पाया जाता है।
इंटरनेशनली इट इज डिक्लेयर्ड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडिया की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये लिस्टेड है। तो रैपिड जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है मेनली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन डिस्टर्बेंस, हैबिटेट लॉस, इलीगल ट्रेड और पोचिंग, इन सब के कारण इसकी संख्या निरंतर कम होती गई। तो एक आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों ना इस महत्वपूर्ण स्पीसीज को बचाया जाए। तभी जितने भी हाई अल्टीट्यूड जूज हैं दार्जिलिंग, सिक्किम और नैनीताल, इन तीनों जू में कैप्टिव कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है। 2014 में एक राहुल एंड सोनम नाम के पेयर को दार्जिलिंग जू से लाया गया था। उस पेयर के आने से पहले प्राकृतिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए नैनीताल जू में उनके एनक्लोजर्स में रस्सियां बांध के एरियल पाथवेज बनाए गए हैं और उसमें नेस्ट बॉक्सेस रखे हैं। उसी के नेक्स्ट ईयर 2015 में उसने एक पेयर को जन्म दिया। तो तब से आज तक अभी हमारे पास नैनीताल जू में 7 इंडिविजुअल रेड पांडा के हैं और हमारे पास 2 मैच्योर्ड प्रोजेनी हैं जो ब्रीडिंग के लिए तैयार हैं। जो उनका कोर्टशिप टाइम है दिसंबर जनवरी में स्टार्ट होता है, उसके लिए हम लोग ये मैनेजमेंट करते हैं कि मिनिमम डिस्टर्बेंस एनक्लोजर्स के पास हो और फीडिंग पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है। जनरली मई जून में उनके बेबी का जन्म होता है, तो इसमें रेगुलर ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर वेटनरी केयर और इनका रिकॉर्ड कीपिंग इंटेंसिवली यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये रेड पांडा की जो पॉपुलेशन है, कैप्टिव मैनेजमेंट है, वो इन सीटू पॉपुलेशन है उसका बैकअप है, इसलिए इसका जो महत्व है वो और बढ़ जाता है। पांडा तो सच में एक अनोखा जानवर है। अरे ये कौन सा जानवर की आवाज है, चलो देखते हैं। आपको पता है हम ये लेपर्ड रेस्क्यू करके लाए थे। ये रेस्क्यू क्या होता है? लेपर्ड्स आपका उत्तराखंड में बहुत मैनीटर्स वगैरह हो गए हैं, जो प्रे है उसकी इसकी कमी है और जो मानव का जो इंटरफेरेंस है जंगलों में वो कुछ बढ़ गया है। वापस पलायन, जब आबादी कम हो गई तो वहाँ पर एनिमल का थोड़ा इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है, तो इस कारण ये लेपर्ड के ज़्यादा इशूज़ हो रहे हैं, वो हमले कर रहे हैं। इसी को देखते हुए रेस्क्यू सेंटर रानीबाग की जो स्थापना हुई है वो 2010 में हुई है, तो इसमें एक टीम का गठन किया गया है जो रेस्क्यू टीम कहते हैं हम जिसको। कहीं भी ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है, चाहे मानव जीव संघर्ष वाले कोई मामला होते हैं या कहीं शिकार करने आया कहीं फंस गया है, वो 24/7 हम लोग रेडी रहते हैं। हमारे इक्विपमेंट्स को लेकर हम उस स्पॉट में जाते हैं। टाइगर और लेपर्ड तो दोनों रिस्की है, लेकिन लेपर्ड एक तरह से बहुत ज़्यादा कनिंग वगैरह एनिमल है। टाइगर थोड़ा सा धीरे धीरे करता है शिकार, ये फ्रीक्वेंटली करता है, ये करने के बाद भागता रहता है इधर से उधर, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, कहीं से कहीं जब मार देगा। जो हमारी यहाँ की रेस्क्यू टीम है उसको अलग अलग हम काम बांट देते हैं कि आप ये करेंगे, आप जाल पकड़ेंगे, आप स्नेयर पोल पकड़ेंगे। मेरा काम है कि उसको ट्रैंकुलाइजेशन का जो भी इश्यूज है, उसमें गन वगैरह है, चाहे ड्रग्स वगैरह है, वहाँ पर मॉब इकट्ठा हो जाता है, हज़ारों की संख्या में आ जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आ जाते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है। तो पूरी टीम का एक टीम वर्क है। लाने के उपरांत फिर उसका इलाज होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसके सेल में डाला जाता है, देन उसको जब भी वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद हम उसको रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन अगर कोई एनिमल ऐसा है कि रिलीज़ करने लायक नहीं होता, या उसका फ्रैक्चर है, या उसके पॉज में नाखून नहीं है, या डेंटिशन में कोई दिक्कत है, या ओल्ड एज फैक्टर है, तो हम उसको वाइल्ड रिलीज़ नहीं कर सकते। जो रेस्क्यू के एनिमल्स हैं वो यहाँ पर पले बड़े हैं, अच्छी तरह से गए और हमारी आज नैनीताल ज़ू की शान है। मुझे जू के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा अभी भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। क्या मैं और कुछ देख सकती हूँ? तब तो आपको हमारे जू का इंटरप्रिटेशन सेंटर जरूर जाना चाहिए, वहाँ पर जानकारी के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वाओ, यहाँ का इंटरप्रिटेशन सेंटर कितना सुंदर है। बेसिकली जो नेचर इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कैसे कनेक्ट कर सके ना, जैसे यहाँ अब आपको पता है हमारा ये जू है, तो जू में क्या हो रहा है, टूरिस्ट आ रहा है तो वो लाइव एनिमल्स को देख रहा है, मगर इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में वो इससे और कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसी के ऊपर हमारी 12 थीम्स हैं जो हमारी मदर अर्थ को और नेचर को कंबाइन करके बनाई हुई हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ, फिर नेक्स्ट थीम आती है हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन, एल्टीट्यूडनल जोनेशन है, ये बेसिकली हमने नैनीताल को रेफरेंस लेके बनाया गया जो इसके आसपास की लोकेलिटी है। फिर उसके बाद हमारी आती है फॉरेस्ट फायर, एनिमल रेस्क्यू, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया है, ग्लोबल वार्मिंग दिखाई है कि कैसे हम उनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं,
हम अपनी ओर से जो भी कार्बन एमिशन कर रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर लास्ट हमारा सेक्शन है, अब इतना सब लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं तो अब एक उनको आप एक प्लेज दिलाते हैं, हम एनवायरमेंटल प्लेज है। इस तरह अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। भाई वाह, आज तो मजा आ गया। मैंने सोचा था कि जू में जानवरों को सिर्फ पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, पर यहाँ आके पता चला कि नैनीताल जू में कॉन्जर्वेशन, रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और इंटरप्रिटेशन के जरिए एजुकेशन पर भी काम किया जाता है। इसकी एक तो टोपोग्राफी जो जैसे बनाया गया है बहुत शानदार है, जो भी यहाँ आता है वो इसकी बहुत तारीफ करता है। जो ये इसकी नेचुरल जो चीज़ है ना वो काफ़ी अलग है। जो हेल्थ है एनिमल्स की वो भी काफ़ी अच्छी है। वे जानवर भी देखे जो आज हमारे समाज में विलुप्त होने के कगार में देखे नहीं जाते हैं। इतने नज़दीक से एनिमल्स को फर्स्ट टाइम हमने देखा, मतलब इतने पास से लेपर्ड, टाइगर, तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा। And this zoo is the cleanest zoo in India. And second is ki even though we have so many carnivores living in this zoo, aapko yahan pe uska wo jo typical smell jo aata hai animals ka, wo bhi aapko yahan nahi milega. Hamara koi chief sahab aate hain, debu sahab aate hain, chief conservator sahab aate hain, wo aate hue humse hamare saath saath bottle uthana bhi shuru kar dete hain. Bottle uthana sir sabai har zoo mein aisa nahi milega. Isliye mera Nainital zoo sabse alag hai. Aap सबको एक बार यहाँ पे जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ लाऊंगी।